नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट साइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज जो बेहद ही खास प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी खूबसूरत सी जोड़ी का, उसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। आपको बताएंगे कि आखिरकार उस जोड़ी में से बेवफा कौन था, मतलब उस जोड़ी में से कौन सदस्य बेवफा निकला। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीना कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी को लेकर। करीना और शाहिद के प्यार से यकीनन ही आप भी वाकिफ होंगे। एक वक्त में इनका प्यार सातवें आसमान पर था, एक वक्त में इन्होंने अलग ही प्यार की मिसाल को कायम किया। मगर फिर अचानक एक ऐसा ब्रेक लगा जिससे दोनों की जोड़ी जो है खत्म हो गई। करीना कपूर सैफ अली खान के पास चली गई, शाहिद अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और फिर मीरा उनकी जिंदगी में एंटर हो गई। मगर कहानी में हम आपको बताएंगे कि भाई आखिरकार कौन किसको धोखा दे रहा था, भाई आखिरकार इस कहानी में कौन किसको चीट कर रहा था। आज करीना और शाहिद की कहानी से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जहां पर थोड़ा फ्लैशबैक आपको लेकर चलेंगे और आपको जानकारी देंगे कि भाई करीना कपूर और शाहिद कपूर में से किसने किसको धोखा दिया। कई फैन फॉलोइंग देखी गई है करीना कपूर की ज्यादा है, तो कई बार ही देखा गया है कि शाहिद को भी जो है अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और फैंस जो हैं लड़कियां स्पेशली शाहिद को बहुत प्यार करती हैं। तो ऐसे में यकीनन ही आप देखना चाहेंगे कि क्या शाहिद कपूर को धोखा मिला है या करीना कपूर को धोखा मिला है, किसने किसको डिच किया है। चलिए दिखाते हैं आज आपको इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और करीना कपूर के अफेयर के चर्चे एक वक्त पे खूब हुआ करते थे, लेकिन इस जोड़ी का अचानक ब्रेकअप हो गया। आखिर कार क्या थी इनके रिश्ते की टूटने की वजह, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक की सैर आपको कराते हैं। 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शाहिद और करीना ने ब्रेकअप कर लिया था। आखिर इस जोड़ी में से किसने की किसके साथ बेवफाई। बॉलीवुड में रिश्तों का टूटना और बनना बहुत ही आम बात है। ये जो जोड़ी सालों से रिलेशनशिप में नजर आती है, वो अचानक ब्रेकअप की अनाउंसमेंट कर फैंस को सदमा दे देती है। शाहिद कपूर और करीना कपूर भी बी टाउन के सबसे पॉपुलर कपल में से एक रहे हैं, जहां पर फैंस जो हैं इनकी जोड़ी को एक साथ देखकर खूब खुश हुआ करते थे। लेकिन 4 साल के रिश्ते को इस जोड़ी ने झट से तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। करीना कपूर और शाहिद कपूर कभी बी टाउन में अपने अफेयर को लेकर खूब सुर्खियों में रहते थे। दोनों एक दूसरे के दीवाने थे, लोग इनका प्यार देखकर ये तक कहते थे कि ये जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन इस जोड़ी का ब्रेकअप क्यों हुआ था, इसकी असल वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद के एक फ्रेंड ने करीना की वजह से इनका रिश्ता टूटने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद कपूर के फ्रेंड ने दावा किया था कि करीना कपूर ने चव्वी मेट एक्टर को धोखा दिया था। शाहिद के फ्रेंड ने बताया कि करीना के को स्टार के साथ आउटडोर शूट के लिए गई हुई थी, वहीं एक्ट्रेस के उनके इश्क के पेच को स्टार संग लड़ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद के फ्रेंड आगे कई और खुलासे करते हुए भी दिखाई पड़े कि करीना के सीक्रेट अफेयर के बारे में एक्टर को पता चल गया था और इसके बाद इनके रिश्ते में दरार आ गई। बता दें कि नेहा धूपिया के चैट शो में शाहिद कपूर से जब सवाल किया गया था कि किसी ने उन्हें कभी प्यार में धोखा दिया है, इस पर कबीर सिंह एक्टर ने कहा था कि मैं एक के बारे में कह सकता हूं, लेकिन दूसरे के बारे में डाउट है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। बता दें कि शाहिद और करीना अब अपनी अपनी मैरिड लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। शाहिद कपूर अब मीरा कपूर से शादी करके काफी खुश हैं।
और वो भी एक बेटी और बेटा के पिता हैं। तो वहीं अगर करीना का जिक्र किया जाए तो करीना ने भी सैफ अली खान के साथ निकाह कर लिया और पटौती परिवार की बहू बन गई। पटौती परिवार की बहू बनने के बाद सैफ और करीना के अब दो बेटे हैं, तैमूर और जय, जहां पर कहा जाता है कि भाई जो है करीना कपूर ही थी जिन्होंने शाहिद कपूर को धोखा दिया। और जब ये बात शाहिद कपूर तक पता चली तो यकीन मानिए उनका हाल काफी बुरा हो गया था। शाहिद कपूर बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गए थे बताया जाता है, क्योंकि वो करीना से बहुत प्यार करते थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 4 साल का रिश्ता और उसमें आप अगर लॉयल्टी से चल रहे हैं और अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही शाहिद और करीना के साथ भी हुआ था। करीना कपूर जिंदगी में आगे बढ़ गई और शाहिद कपूर जो है कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो गए। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो भी नॉर्मल होते चले गए। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही।